अलीगढ़ सपा का प्रतिनिधि मंडल संभल सांसद वर्ग के नेतृत्व में औरंगजेब के परिवार से मिले, कारण जाने, संवेदनाएं व्यक्त की, न्याय की लड़ाई में साथ खड़े होने की बात कही तथा 1 करोड़ का मुआवजा व नौकरी दिलाने का प्रयास का आश्वासन दिया। तसल्ली नहीं चाहिए, मेरे भाई का इंसाफ चाहिए, ताकि मेरे भाई के साथ हुआ किसी और के साथ नहीं हो। ये छोड़ी आप क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं उनको फांसी मिले, सजा मिले, जो लोग नहीं पकड़े गए आप उनको पकड़िए। मेरे भाई को 5 दिन हो गए, अब तक क्यों नहीं पकड़े जा रहे? मुस्लिम क्यों नहीं पकड़े जा रहे? आप उनको पकड़िए। जितनी बेरहमी से उन्होंने मेरे भाई को मारा, सरियों से मारा, लोहे पाइपों से मारा, तो आपने उनको अभी तक क्यों छोड़ रखा है? इतनी बेरहमी से मेरे भाई को मारा, अभी तक कोई पकड़े नहीं गए, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ लोग है ना वो दे के चले जाते हैं तसल्ली, अभी तक तो कोई काम होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। उन्होंने ये कहा जो आप चाहती हैं हम वही करेंगे। आपने उनसे क्या मांग रखी? हमने यही मांग रखी, उन्हें पकड़िए, उन्हें सजा दीजिए, बड़ी से बड़ी सजा दीजिए, उन्हें फांसी लगवाइए। हमारे लिए तो जैसे उन्होंने हमारे भाई को मारा, फांसी भी कम है, लेकिन फांसी जरूर दीजिए उनको। जितने लोगों ने मारा सबको फांसी होनी चाहिए। बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे, उनके घर टूटे जाए, उन्हें घर से बेघर करिए, उनके गोदाम को सील लगाइए, उनकी दुकानों में सील लगाइए। वो कैसे कारोबार कर रहे हैं, कैसे दुकानों पे आराम से सुकून से बैठे हुए? बिल्कुल नहीं चला, सिर्फ तसल्ली मिल रही है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आज मेरे भाई को 5 दिन हो गए। मेरी माँ पालिश की वो है मरीज, 2 साल हो गए, मेरा देखभाल करने वाला उनका कोई नहीं है, मेरे वही भाई देखभाल करते थे। हर 2 महीने MRI होती है, कौन है उनका कमाने वाला? कितनी कमजोर है मेरी माँ, कौन करेगा उनका देखभाल? है क्या सरकार मेरे भाई को ला सकती है मेरी अम्मी के लिए? जी आप वीडियो देखिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मोबाइल में देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो वो है ना, और फिर कहते हैं वो अपने उसके खातिर। बहुत दुखद घटना है, और इस घटना को लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधि मंडल भेजा है, और उसके लिए हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर उसकी एक रिपोर्ट बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को भी भेजेंगे कि जो घटना यहाँ पर हुई है। और उसके साथ साथ अभी SSP और DM से भी मिलेंगे, उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है, और जैसा कि 10 लोगों में से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 अभी बचे हुए हैं, कुछ को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। हमारी ये कोशिश है, और हम इसको सिर्फ यहीं नहीं सड़क से लेकर सदन तक भी उठाएंगे, पार्लियामेंट में भी मैं इस मसले को उठाऊंगा कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि उनके परिवार, जो बेचारी उनकी वालिदा है, जो जिनको और बहनें हैं जो तड़प रही हैं भाई उनके उसमें, बूढ़ी माँ वगैरह, उनको इंसाफ मिले, और आने वाले समय में उनको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि जो दूसरे लोगों को भी एक मिसाल बने और आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं घटे।